तो राजेश सर आपका इंटरनेट चेक करो। हेलो चलिए, तो हम लोग आज देखते हैं। पहले एक टेंडर साइट चालू करते हैं, महा टेंडर्स का। एक टेंडर लेंगे रैंडमली कहीं से भी, और वो टेंडर्स का टर्म्स कंडीशन देखेंगे, और फिर उसमें आप लोगों को मैं पढ़ के दिखाऊंगा। तो कोई भी एक रैंडमली मैं यहाँ से टेंडर उठा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर ओनली, ऐसे जो टेंडर होंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर्स के लिए होंगे खाली, या सर फिर आपका एक्सटर्नल स्क्रीन नहीं दिख इंजीनियर। रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा हाँ, है, स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी अभी। हाँ ठीक अभी दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ठीक टेंडर है, लिया, वापिस इसमें वापिस ब्रैकेट में कीजिए लिखा हुआ है सर। थर्ड कॉल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर ओनली। लिखा है ये जो टेंडर्स होगा ये अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर्स के लिए ही होगा, दूसरा कोई टेंडर नहीं भर सकता। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट नागपुर का टेंडर है, इसके अंदर अथॉरिटी नागपुर है, उसके बाद ई इरीगेशन डिवीजन नॉर्थ नागपुर का ये डिवीजन का टेंडर है टोटल। यहाँ से ये ऑर्गेनाइजेशन का चेन पता चलता है, ये रेफरेंस नंबर है जो पेपर में आपको टेंडर नोटिस नंबर मिलता है, ये आपको यहाँ का रेफरेंस नंबर आता है, ऑलरेडी हम लोगों ने बोला था। और अरे बात क्वेश्चन ये, क्वेश्चन यस सर बोलिए। सर, ये अभी आपने क्रोम ओपन किया है ना, राइट? तो हाँ। अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, मतलब हाँ इंटरनेट एक्सप्लोर, यस यस तो किस में करना है, क्रोम में करना है, इंटरनेट सर। एक्सप्लोरर में हम अभी करना है? टेंडर सर्च करते वक्त किसी में भी कर सकते हैं, इंटरनेट किसी में भी एक्सप्लोरर कर में भी कर सकते सकते हैं, क्रोम में भी कर सकते हैं। ओके 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 थैंक यू। हैं। जब हम टेंडर भरेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा। जब मैं देखो अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आ ओके गया। ओके ओके थैंक यू। ये टेंडर आईडी है, टेंडर आईडी कैसा जनरेट होता है, 2020 मतलब 2020 का टेंडर है। CEWRM, ये जो है सीई वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट नागपुर, इसके नीचे इसके अंडर में कोई भी टेंडर आने दो, चाहे ये डिवीजन का या दूसरा कोई डिवीजन का, इसके अंडर में यदि कोई भी डिवीजन का टेंडर आया तो इनका कोड यही होगा CEWRM। ये जो सीई वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट नागपुर है, मेन डिपार्टमेंट, इसका ये कोड है 594996, ये टेंडर का आईडी है। और ये फोर्थ मतलब इस टेंडर आईडी में टोटल नंबर ऑफ टेंडर्स चार या मोर देन उससे ज्यादा होंगे, तो उसका ये फोर्थ नंबर का टेंडर है। चलिए टेंडर नोटिस में मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में डिटेल्स, या फिर इसकी कॉल्स जो है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ऐसे भी आता है तभी भी ये टेंडर आईडी बढ़ जाता है। जनरली वहां पे टेंडर आईडी बढ़ने से अच्छा है यहाँ पे टेंडर आईडी बढ़ता है, जब कॉल्स ज्यादा होंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे होते हैं ज्यादातर। तो टेंडर टाइप ओपन टेंडर, परसेंटेज, ये परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट का है, ये टेंडर कैटेगरी में वर्क मतलब ये वर्क का टेंडर है, जिसे हम लोगों ने पहली बार देख पहले भी देखा था, तीन टाइप्स में होते हैं, गुड्स, वर्क एंड सर्विसेज, तो ये वर्क का टेंडर है। नंबर ऑफ कवर्स, दो दो कवर्स है इसको, मतलब इनवेलप, कवर्स मतलब इनवेलप, तो दो इनवेलप है, एक टेक्निकल इनवेलप, एक फाइनेंस इनवेलप। यदि यहाँ पे दो, मैक्सिमम चार इनवेलप हो सकते हैं, एक दो तीन या चार, ऐसे इनवेलप हो सकते हैं या कवर्स बोल सकते हो। तो कैसे होंगे, तो चारों इनवेलप का नाम क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, टेंडर फीस एक इनवेलप है, प्री क्वालिफिकेशन एक इनवेलप है, टेक्निकल एक इनवेलप है, और फाइनेंस एक इनवेलप है। यदि ये इनवेलप सिंगल होगा तो ये चारों एक साथ मर्ज हो जाएगा, यदि ये दो होगा तो ये तीन और ये एक अलग हो जाएगा, यदि ये तीन होगा तो फी और प्री क्वालिफिकेशन एक होगा, टेक्निकल अलग हो जाएगा और फाइनेंस अलग हो जाएगा। यदि ये इनवेलप चार होगा तो टेंडर फीस अलग हो जाएगा, प्री क्वालिफिकेशन अलग हो जाएगा, टेक्निकल अलग हो जाएगा और फाइनेंस अलग हो जाएगा, ऐसे चार अलग अलग इनवेलप हो जाएगा, ऐसे मैक्सिमम चार हो सकते हैं। यहाँ पे दो है तो दो में तीन मर्ज होगा और यहाँ पे अलग होगा फाइनेंस, जनरली इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा।
दो ही इनवेलप का जनरली, पर कभी कभी एक दो तीन चार अलग अलग हो सकते हैं। जनरल टेक्निकल एविलेशन अलाउड नो, जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा था GTE, इसका फुल शॉर्ट में देखा था GTE, कल हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था इसके बारे में, तो नहीं है। टेक्निकल एविलेशन अलाउ आइटम वाइज टेक्निकल एविलेशन अलाउड, तो नो है। अलग आइटम का आइटम वाइज एविलेशन नहीं होगा, कल हम लोग देखो एक पॉइंट छोड़ दिया था ITE, तो इसको आइटम वाइज टेक्निकल एविलेशन बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। पेमेंट मोड ऑनलाइन, ये ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट नहीं है इसको। इज मल्टीपल करेंसी फॉर BOQ, मतलब रुपीज छोड़ के दूसरा कुछ मल्टीपल करेंसी में है क्या, तो नहीं है। इज मल्टीपल अलाउड फॉर फीस, नहीं, मल्टीपल करेंसी भी नहीं है इसको, फीस के लिए अलाउड नहीं। टू स्टेज बिडिंग भी इसको नहीं है, कल हम लोगों ने टू स्टेज बिडिंग के बारे में भी बात किया था, ये सभी इसको नहीं है, जनरली ये सब में नो ही रहता। पेमेंट मोड SBI से होगा, ऐसा कुछ नहीं है, SBI का पोर्टल खाली काम करेगा, पर पेमेंट अलग अलग प्रोसेस से भी, मतलब सिर्फ नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ओनली नेट बैंकिंग, अलग अलग बहुत सारे बैंक है, कोई भी बैंक से आप कर सकते हो। टेंडर फीस प्री क्वालिफिकेशन टेक्निकल, ये स्कैन कॉपी फॉर ऑल टेक्निकल डॉक्यूमेंट एज पर मेंटेड टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड डिजिटली साइनर टेंडर डॉक्यूमेंट। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, सब डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे दो है, टेक्निकल में दो अलग अलग है, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल टेक्निकल डॉक्यूमेंट एज मेंटेन इन टेंडर डॉक्यूमेंट, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है अपलोड डिजिटल साइन टेंडर डॉक्यूमेंट, ये एक दूसरा पॉइंट है, और ये एक तीसरा पॉइंट है प्राइस बिड टू बी द अपलोडेड फॉर्म ऑफ BOQ। तो तीन हम मुझे जो कवर्स बनाने, कवर्स के जो कंटेंट बनाने हैं तीन बनाने, एक RAR में बनाना है, एक PDF में बनाना है और एक Excel में बनाना है। टेक्निकल में मतलब फाइनेंस इनवेलप में, फाइनेंस इनवेलप में दो कवर्स, फाइनेंस इनवेलप में दो जाएगा, एक RAR के फॉर्मेट में जाएगा, एक PDF के फॉर्मेट में जाएगा। फाइनेंस इनवेलप में ये सॉरी टेक्निकल इनवेलप में दो दो कंटेंट बनेंगे, मतलब दो फाइल बनेगा, कंटेंट मतलब यहाँ पे फाइल होता है, दो फाइल बनाना पड़ेगा, एक RAR के फॉर्मेट में, एक PDF के फॉर्मेट में। फाइनेंस में एक ही फाइल बनेगा, वो है Excel के फॉर्मेट में, जो BOQ रहेगा। तो अभी रही बात RAR के फॉर्मेट में क्या, RAR के फॉर्मेट में क्या क्या अपलोड करने का और PDF के फॉर्मेट में क्या क्या अपलोड करने का, तो RAR के फॉर्मेट में मुझे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है क्या अपलोड करने का है, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एज मेंटेन इन टेंडर डॉक्यूमेंट। तो आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो भी टेंडर के डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा सबका एक RAR बनाना है और दूसरे में PDF। तो PDF में क्या बोल रहा है, अपलोड डिजिटल साइन टेंडर डॉक्यूमेंट, आपको डिजिटली साइन करना है टेंडर के डॉक्यूमेंट्स को और उसी को अपलोड कर देने का। तो कवर्स में मतलब ये जो टेंडर के डॉक्यूमेंट्स का पेज है ये वाला, इसको ही डिजिटली साइन करना है और अपलोड कर देना है। ये एक इनवेलप टेक्निकल का हो गया। BOQ, इसे यही BOQ को डाउनलोड करना है और इसको जितना में आपको भरना है, प्राइस बिड बोलते हैं इसको, इसको उतना में भर के आपको कितना रेट में टेंडर लेना है और इसको अपलोड कर देना है। यहीं पर आपका दो फाइल हो गया, एक PDF का, एक Excel का और एक RAR का। अभी ये वाला हम पढ़ेंगे, टेंडर नोटिस पढ़ेंगे और टेंडर के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, यहाँ पे अपने को बाकी का फाइल पता चल जाएगा जो और क्या क्या मांगा है, जैसे कि ITR मांगा है क्या, एक्सपीरियंस मांगा है क्या, तो ये क्या क्या मांगा है यहाँ से पता चलेगा। टेंडर फीस इसका 2240 रुपया है, EMD 3500। ये EMD में एग्जम्पशन इसको नहीं है, मतलब पूरा का पूरा EMD भरना पड़ेगा। फीस पेबल है पेमेंट भाया गेटवे से ही आपको पेमेंट करना है, टेंडर फीस में एग्जम्पशन इसको नहीं है, आपको ये ऑनलाइन ही पे करना है। EMD फीस फिक्स्ड है, EMD परसेंटेज नॉट एप्लीकेबल, EMD पेबल एट ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन ही पेमेंट गेटवे से ही आपको देना। तो आपको ये टेंडर भरना है तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है, चाहे आप सुबह का हो, अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर है, ये टेंडर अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का है, पर इसको EMD में एग्जम्पशन नहीं है, तो आपको ये पैसा भरना ही पड़ेगा। जैसे कि कल बोल रहे थे कौन सा टेंडर में आप लोगों को EMD एग्जम्पशन मिलेगा, तो जहाँ पे EMD एग्जम्पशन में यहाँ पे यस लिखा रहेगा, यहाँ पे नो है, यहाँ पे जो टेंडर में यस लिखा रहेगा वो टेंडर अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर वाले यदि भरते हैं तो उसको ये EMD का अमाउंट नहीं भरना पड़ता है,
वहां पे एग्जम्पशन में एग्जम्पशन ले लेंगे वो, तो यहाँ पे नो है। तो इस टेंडर में आप कुछ भी होने दीजिए, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का सर्टिफिकेट होने दीजिए या कैसा भी सर्टिफिकेट होने दीजिए, आपको यहाँ पे एग्जम्पशन आप नहीं ले पाएंगे, आपको ये पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये काम किसका है उसके बारे में बताया है आपने को, इसके बारे में वो भी वही बताया, एनडीए या प्री क्वालिफिकेशन जिसके बारे में हम लोग बताया था, ये नहीं है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स को प्रीफर करो बोल रहा है, मतलब प्री क्वालिफिकेशन का अलग से कोई पार्ट नहीं है। एक्सटर्नल मॉनिटर, तो एक्सटर्नल मॉनिटर मतलब कोई बाहर का कोई कंसल्टेंट है क्या, जैसे ड्रॉइंग के लिए कभी कभी बाहर के कंसल्टेंट होते हैं, साइट के लिए कोई कंसल्टेंट होता है, सेफ्टी के लिए अलग से कंसल्टेंट होते हैं, क्वालिटी वर्क के लिए अलग से कंसल्टेंट होता है, ये थोड़े बड़े बड़े टेंडर में जनरली होता है। छोटे मोटे टेंडर में कंसल्टेंट अलग से नहीं लेता, तो गवर्नमेंट के लोग खुद उतना टाइम नहीं दे पाते, इसलिए वो लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं ताकि आप उनके बिहाफ में वो प्रोजेक्ट उसके कंसल्टेंट देखे, तभी ये कंसल्टेंट। तो ये है क्या कोई एक्सटर्नल मॉनिटर करने वाला, तो नहीं है। टेंडर वैल्यू इसका 3,45,811 रुपये का, मतलब 3,45,000 का ये टेंडर है। प्रोडक्ट कैटेगरी ये सिविल वर्क का है, सब कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल। कॉन्ट्रैक्ट टाइप टेंडर है, ये टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट है। बिड वैलिडिटी 60 डेज है, 60 दिन के अंदर ये आपको टेंडर को, मतलब जिस दिन टेंडर निकला है, जिस दिन से टेंडर का क्लोजिंग डेट है, टेंडर के क्लोजिंग डेट के बाद 60 दिन के अंदर इस टेंडर का वर्क ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ये 60 का इसका मतलब है बिड वैलिडिटी। बिड वैलिडिटी मतलब जिस दिन से टेंडर का क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट के 60 दिन, मतलब टेंडर क्लोज कब हो रहा है, बिड सबमिशन इन डेट, बिड सबमिशन इन डेट 22 जुलाई 2020 को हो रहा है, तो 22 जुलाई के दो महीने, मतलब 22 अगस्त सितंबर, मतलब 21 सितंबर तक ये टेंडर को क्लोज करना पड़ेगा, इसका वर्क ऑर्डर निकालना पड़ेगा 21 सितंबर तक। ये डिपार्टमेंट को टाइम है, डिपार्टमेंट 21 सितंबर के डिले नहीं कर सकती, यदि वो 21 सितंबर से डिले करती है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकता है, डिपार्टमेंट के ऊपर भी। आप यदि उसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर, तो आप 21 सितंबर के बाद के ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं एज ए रूल, क्योंकि यहाँ पे 60 दिन था और 60 दिन में उसने वर्क ऑर्डर नहीं बनाया। तो पीरियड ऑफ वर्क मतलब 21 सितंबर के तक यदि उसने क्लियर कर दिया, तो उसके जिस दिन आपको वर्क ऑर्डर देगा उसके 180 डेज के अंदर आपको काम को खत्म करना है। यदि आपने 180 डेज के अंदर काम खत्म नहीं कर किया, तो आपको रीजन देना पड़ेगा जो आप 180 डेज के अंदर काम को क्यों नहीं खत्म कर पाए। यदि आप रीजन देने में असमर्थ होते हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, फाइन लगा सकता है, या फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको जो कार्रवाई करना है वो आपके ऊपर भी कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, वैसे ही आपके ऊपर डिपार्टमेंट ये 180 डेज के बाद जो आपके ऊपर भी कर सकता है। लोकेशन का टोल, ये लोकेशन दिया हुआ है, ये पिन कोड है। प्रीबिड मीटिंग नहीं है, प्रीबिड मीटिंग मतलब टेंडर निकलने के बाद टेंडर का लास्ट डेट के, मतलब 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में प्रीबिड मीटिंग करते हैं, ताकि टेंडर में जो जो प्रॉब्लम है वो अपड़ हो, और कुछ आपको प्रॉब्लम रहा तो आप ऑफिस में आके डिस्कशन कर सकते हो, इसको प्रीबिड मीटिंग बोलते हैं। तो ऐसा प्रीबिड मीटिंग यहाँ पे नहीं है, मतलब उसका कोई डेट नहीं है, कुछ एप्लीकेबल नहीं, तो प्रीबिड मीटिंग इसको नहीं होगा। एड्रेस सब ड्रीम मीटिंग है ही नहीं, तो सभी चल निकल जाएगा। बिड ओपनिंग कहाँ होगा, नागपुर में होगा। एनडीए टेंडर अलाउड मतलब जो है प्री क्वालिफिकेशन है ही नहीं, इसलिए इसको नो ही रहेगा। प्रिफरेंस बिडर भी इसको नहीं है। प्रिफरेंशियल बिडर मतलब कोई ये प्रिफरेंशियल बिडर मतलब कोई क्या बोलते हैं जनरली, कैसा हमारे पहचान, मतलब 4-5-6 मतलब बीडर है जो कुछ प्रीफरेंशियल है, मतलब फेवरेट लिस्ट में है, उनके लिए कुछ उनको ही पहला प्रायोरिटी मिलेगा क्या, तो ऐसा भी इसमें नहीं। जो टेंडर जो सबसे कम रेट में भरेगा उसको ही मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन आया है, सेफ सर ने पूछा है हमसे, समटाइम्स बीड्स इन डेट्स आर क्लोज्ड एंड टेंडर आर नॉट ओपन टिल 1 to 2 months, व्हाई? सर ये डिपार्टमेंट का इंटरनल मामला है, आप इसके ऊपर नहीं कुछ कर सकते। हाँ आपका हक है आपके इसके ऊपर करने का, जैसे कि मैंने बोला है आपको हर चीज, जैसे डिपार्टमेंट आपके ऊपर नोटिस जारी कर सकता है, वैसे आप भी डिपार्टमेंट के ऊपर नोटिस डाल सकते हो,
पर आप डिपार्टमेंट के ऊपर जनरली नोटिस लेते नहीं हो, पर आप डाल सकते हो। आप डिपार्टमेंट को पहले एक लेटर दे दो जो ये टेंडर है इसका इसका, क्या आपको भी रीजन जानने का हक है, हर चीज का रीजन जानने का आपको भी हक है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो खुद से तो बताएंगे नहीं, आपको उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको लेटर देना पड़ेगा, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा उसको, तो फिर वो उसका आपको रिटर्न में जवाब देंगे। अदरवाइज फिर भी वो नहीं सुन रहा है तो आप फिर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये 16 जुलाई 2020 को आपका पब्लिश हुआ है, बिड ओपनिंग 24 जुलाई को हुआ है, बिड ओपनिंग होने वाला है 24 जुलाई 2020 को। डॉक्यूमेंट डाउनलोड 16 तारीख से ही कर सकते हैं, 16 से ही, सबमिशन भी 16-16 से कर सकते हैं, इन डेट आप 22 से कर सकते हैं, डाउनलोड 22 तक कर सकते हैं 6 बजे तक, और ये 22 को खत्म हो जाएगा और 24 को टेंडर खुलेगा, ऐसा इनका कंसर्न है। ये टेंडर के डॉक्यूमेंट्स है, ये टेंडर नोटिस है, ये टेंडर का मतलब टेंडर के डॉक्यूमेंट्स का फाइल है, ये जीप के फाइल में होता है। ये टेंडर इनविटेशन अथॉरिटी कौन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कहाँ का, तो नागपुर इरिगेशन डिपार्टमेंट का, प्लॉट नंबर 30 सिविल लाइन्स नागपुर, यहाँ का ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने टेंडर अथॉरिटी टेंडर को इन्वाइट किया है, मतलब इसने टेंडर को इन्वाइट करके बताया है, ये टेंडर उसने पब्लिश किया है। तो चलिए हम लोग डाउनलोड करते हैं, सबसे पहला टेंडर नोटिस, और ये तो जैसे डाउनलोड करने के लिए गया मुझे कैप्चा मांगा गया, ये अभी ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड जैसे डाउनलोड हुआ, देखिए ऐसे डाउनलोड हो गया, मैं इसको क्या करता हूँ अभी यहाँ पे कहाँ ढूंढने का इसको, तो मैं इसको फोल्डर बना लेता हूँ, इसको एक कंट्रोल और डेस्कटॉप 1 2 3 4 एक फोल्डर है मेरा, न्यू नागपुर इरिगेशन का फोल्डर बना दिया, यहाँ पे इसको रख दिया, ये टेंडर का नोटिस हो गया। अब ये जीएफ फाइल डाउनलोड करना है, इसको भी डाउनलोड कर, ये भी डाउनलोड कर लेंगे, ये भी डाउनलोड हो गया। सो इन फोल्डर ये वाला है, इसको भी कट करते हैं, और इरिगेशन यहाँ पर एक ही फोल्डर के अंदर रख दिया। चलिए ये आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी मेरा, अब तक किसी ने पूछा है मैं देख लेता हूँ, व्हाट इज मीन बाय बीड एंड बीओक्यू, प्लीज स्पेसिफाई। बीड देखो सर, बीड मतलब क्या, बीड मतलब टेक्निकल और फाइनेंस इन्वेलप, जो भी आप उसमें टेंडर के डॉक्यूमेंट डाल के बीड करते हैं, आपको इसको पूरे प्रोसेस को बीड बोलते हैं, टेंडर चालू होने से लेके टेंडर क्लोज होने तक का जो प्रोसेस है उसको बीड बोलते हैं। बीड का एक पार्ट है बीओक्यू, बीड का ही एक पार्ट है वो है बीओक्यू। बीओक्यू में आप डिसाइड करते हो आप ये टेंडर को कितने रेट में लेते हो, ये उसका बीओक्यू है, जो इस टेंडर इतने का है और इसको हम इतने प्राइस में लेना चाहते हैं, आप उतने में इंटरेस्ट दिखाते हो, ये है बीओक्यू। पर बीड जो शुरू से जब से टेंडर निकला तब से लेके जब तक टेंडर आप किसी को अलॉट नहीं हो गया, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बीडिंग बोलते हैं, यही बीड है, बीड का प्रोसेस है। ये आप जो करते हैं आप बीड करते हैं, बीड करते हैं मतलब आप बोलिए। हेलो, हाँ सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो बोलूंगा। अभी हम लोगों ने टेंडर डाउनलोड कर देते हैं अभी, तो देखिए हम यहाँ पे टेंडर डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे इसको टेंडर नोटिस और जिप फाइल ये डाउनलोड कर लिया दोनों, और फिर हम यहाँ पे
सबसे पहला टेंडर नोटिस पढ़ेंगे। आपको डाउनलोड करके एक फोल्डर बना के रखना है, टेंडर नोटिस पढ़ेंगे हम लोग। देखिए टेंडर नोटिस है, ये देखिए जैसे कि वहां पे लिखा था चार, लिखा था आपको चार लिखा था टेंडर नोटिस में, आपने देखा था कि यहाँ पे चार लिखा था, ये देखो चार लिखा था, ये चार जो लिखा था ये टेंडर नोटिस का ये चौथा टेंडर है, ये वाला टेंडर, इसलिए इसमें चार लिखा, ये वाला टेंडर है। अब ये टेंडर नोटिस में चार टेंडर है तो चार का चौथा नंबर, यदि उसके अंदर तीन डाल देंगे तो तीसरा नंबर टेंडर मिलेगा, दो डालेंगे दूसरा नंबर मिलेगा, एक डालेंगे तो पहला टेंडर मिलेगा, इस तरीके से। ये चौथा टेंडर है इसलिए इसमें चार लिखा है। यहाँ पे सब टेंडर नोटिस में डिटेल्स दिया हुआ है, कहाँ पे टेंडर भर सकते हैं, कौन है, सब कुछ यहाँ पे इतना ही डिटेल्स दिया हुआ है, कब तक लास्ट डेट वगैरह इसमें वो सब नहीं दिया हुआ, यहाँ पे टेंडर नोटिस में इतना ही। दूसरा और एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, नागपुर इरिगेशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रार फाइल को इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल को इसको रार में इसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट करके ओके, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये फोल्डर बन गया। देखो जैसे एक्सट्रैक्ट किया वैसा एक फोल्डर बन गया। अब इस पे काम करेंगे, डायरेक्ट रार पे नहीं काम कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट टेंडर डॉक्यूमेंट, ये अभी टेंडर डॉक्यूमेंट है। अभी मुझे देखना है इस टेंडर का, ये जो टेंडर है स्कैन कॉपी ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स इन मेंटेन जो है, ये क्या है और टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या लगेगा, तो ऑल टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा ये मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जनरली कभी कभी टेंडर नोटिस में भी दिया रहता है, उसके नीचे थोड़ा सा हम देखते हैं तो अपने को मिल जाता है। अभी ये 180 है, 80 पेजेस है, तो 180 पेजेस में किधर ढूंढने का, तो मैं आपको थोड़ा कीवर्ड्स बता देता हूँ। फाइंड, सबसे पहला इनवेलप बोल के सर्च करेंगे, इनवेलप, इनवेलप में देखेंगे इनवेलप में है क्या, थोड़ा सा अप एंड डाउन करके देख लो इनवेलप, और इनवेलप मिला एक न्यू सबमिटेड, थोड़ा आपको पढ़ना भी पड़ेगा, 1 और 2 नहीं, इसमें वही बता रहा है ओके। ये वाला भी आपको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बोला है क्या। देखो यहाँ पे आपको और एक चीज बोला है, आपको जो बीडर का है देखो वो ये सब भी पढ़ना चाहिए एक्चुअली। टेक्निकल बीड, आपको सर्टिफिकेट का नाम कैसा रखना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डॉट पीडीएफ नहीं डालना है, उसका फाइल का नाम कैसा लिखना है, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, इस तरीके का फाइल का नाम लिखना है, ये भी आपको लिख दिया है। ये ज्वाइंट वेंचर के लिए बोला गया है, यदि आप ज्वाइंट वेंचर में दो या मोर कॉन्ट्रैक्टर यूज कर लेते हो तो उसके लिए क्या क्या है, जेबी में यदि आप फाइल उठाते हो तो ये पूरा टर्म्स कंडीशन जेबी का है, तो हम जेबी में नहीं है तो आपको इस पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको ये ऐसा देखना पड़ेगा थोड़ा, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं जो आपके देखने के लिए। देखो यहाँ पे लिख दिया, द कॉन्ट्रैक्टर सेल सबमिट डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो इन एनवेलप नंबर 1, यहाँ पे हो गया मेरा, मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गया। अब क्या क्या लगेगा, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, एप्रोप्रिएट क्लास जो क्लास का बोला है, स्कैन कॉपी ऑफ पेमेंट ऑफ ईएमडी, ईएमडी और टेंडर फीस का जो पेमेंट होगा उसका पेमेंट का रिसीप्ट, पैन कार्ड लगेगा, स्कैन कॉपी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट प्रोवाइड बाई जियो, जीएसटी एक्ट 2017, जीएसटी का सर्टिफिकेट लगेगा, इन शॉर्ट यदि आपका कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड लगेगा,
लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड कंपनी का डिटेल्स, अंडरटेकिंग लगेगा, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है ऑन लेटर हेड डेली स्टैम्प एंड साइन, ऑन लेटर हेड पे लगेगा पूरा स्टैम्प और साइन करके, अंडरटेकिंग 2 और 5 यहाँ पे अलग अलग है, आपको इसके फॉर्मेट नीचे मिल जाएंगे। और ये एफिडेविट लगेगा 500 के पेपर पे, तो आपको एफिडेविट का फॉर्मेट दिया हुआ है, देखो हो गया। और इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा इतने। और बाद में ये हाईलाइट करके रखा हुआ है, देखो इसमें भी क्या क्या है, आपको इसमें एक बार देख लेना चाहिए। तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको रहेगा, जो इसमें जनरली टर्म्स एंड कंडीशन बोला है, ईच एंड एवरी ड्रॉइंग्स एंड डिसीजन रिलेटेड द वर्क मेड अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल द ऑफिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो भी है वो रहा टेंडर का, आपको उसके हिसाब से उससे स्टाम्प और साइन करके लेना पड़ेगा, वो टेंडर के टर्म्स कंडीशन है। लास्ट 5 ईयर्स का नो कंपोजिशन फॉर्म्स नहीं, आपको इसमें सभी टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट है, डॉक्यूमेंट्स का पार्ट इसमें नहीं आता। हाँ, EMD सिक्योरिटी डिपॉजिट ये सब है, आपको यहाँ पर ही आता है इतना ही। अभी रही बात अंडरटेकिंग, आपने को जो फॉर्मेट नहीं मिला ये अंडरटेकिंग का नहीं मिला, तो अंडरटेकिंग का यदि आपको यहाँ से फॉर्मेट मिलता है, नहीं तो कल मैंने आपको एक शेयर किया था लिंक दत्ता सर ने, वहां पे आपको सबके फॉर्मेट दिए हुए हैं अंडरटेकिंग सेक्शन 2। देखो ये एग्रीमेंट भी लगेगा एनेक्सर बी, ये अंडरटेकिंग में डालने का है, ये एग्रीमेंट यदि रहा तो मतलब खाली फाइन कर आपको ये करके डाल देने का है, साइन करके खाली अंडरटेकिंग 1, 2, 3, 4, 5 1 और 2 अंडरटेकिंग मांगा है ये। अंडरटेकिंग यू डॉक्यूमेंटेशन बेडिंग यहाँ से अपने को इजी से मिल जाएगा अंडरटेकिंग का फॉर्मेट, और नहीं भी तो मैं आपको फॉर्मेट दिया हूं जनरली। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अंडरटेकिंग का फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो आपको अंडरटेकिंग का एक्चुअली फॉर्मेट मैंने मेरे इस पे दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है, कभी ऐसा टेंडर में नहीं मिला तो आप वहां से उसको ही अंडरटेकिंग का फॉर्मेट बनाओ और उसको डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हेलो सर, कल दत्ता साहब ने क्या जो दिया था, हाँ वो सॉफ्टवेयर था खाली, और लिंक नहीं उसमें फॉर्मेट वगैरह नहीं था क्या? नहीं, उसमें फॉर्मेट नहीं था सर। कौन से ग्रुप में भेजा था वो? जो पीडीएफ ये था। अच्छा, कौन से ग्रुप में भेजा था वो? टेंडर ऑनलाइन ही टेंडर बैच में भेजा था क्या? ऑनलाइन ही टेंडर बैच नहीं, टेंडर ऑल बैच सारा ग्रुप। देखो अभी देखते हैं, देखो ये वाला भेजा था? हाँ सर। और नहीं भेजा क्या? ये क्या है देखने दो, 942 को भेजा था ना? ये वाला PDF प्रोफेशनल वाला है बराबर। और
और नहीं भेजा क्या कुछ उसमें? ये तो अभी भेजा है, पहले भेजा था ना उसमें। ये है ना सर, कल 3:11 उसके बाद हुआ, उसके बाद ज्वाइन हुआ। क्या उसके बाद में ज्वाइन हुआ ना सर, वो पहले वाला है। मतलब ये कब का डेट का है ये? है तो आपको तो सब लोगों को ज्वाइन किया ना, कल का ही है ना 3:11 को, कल 3:11 का है ये पोस्ट। दिख रहा है? चलो मैं फिर से भेज देता हूँ सब। इसमें है सब, देखो यहाँ पे ई टेंडर्स है, फॉर्मेट्स है, सॉफ्टवेयर है। हेलो हेलो सर, ई टेंडरिंग फॉर्मेट और सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का अभी कुछ नहीं बोला है, रार का फाइल बोला है। रार आपने वो सॉरी पीडीएफ प्रोफेशनल का लिंक भेजा था, वो डाउनलोड कर लेने का, वो जो मैं काम कर रहा हूँ उस पे। फॉर्मेट है, सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएगा, इसमें नोट्स है। तो अभी तक हम लोगों ने टेंडर के डॉक्यूमेंट देख लिए। बोलिए अभी तक में के क्लास में क्या प्रॉब्लम है? अभी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। हेलो सर, हाँ मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, आप छोड़ के बाकी जो लोग हुए उन लोगों को तो बताने दो सर। वो रार फाइल और वो पीडीएफ, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स?